दोस्तों, हमारी कोई गलती नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस इन योर चाइल्डहुड? उसको देखो, उसके मार्क्स देखो, उसकी हैंड राइटिंग देखो, वो कॉम्पिटिशन में पोजिशन होल्डर हो, तुम क्या हो? एक्चुअली बचपन से हम यही सुनते बड़े होते आते हैं, तो जनरली हमारी मेंटालिटी भी ऐसे ही ग्रो होती है ना? और फिर हम कहते हैं यार मेंटल हेल्थ सही नहीं चल रही। तो जब हम कॉन्स्टेंटली दूसरों को देखते रहेंगे तो मेंटल हेल्थ कैसे जगह पे रहेगी दोस्तों? एंड नाउअडेज सोशल मीडिया, उसके पोस्ट पर ज़्यादा कमेंट्स, उसके पोस्ट पर ज़्यादा लाइक्स, उसकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज, उसकी फेसबुक की स्टोरीज कितनी इंटरेस्टिंग होती हैं। क्या बंदी है यार, क्या ड्रेसेस पहनती है, कितनी पार्टी करती है, शी इज ऑन हॉलीडे इन थाईलैंड, आई एम ऑन हॉलीडे इन गोवा। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू अवर लाइफ। तो मेंटल हेल्थ भला जगह पे कैसे रहे फ्रेंड्स? हमारी आदत हो जाती है दूसरों के तरफ देखने की, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो कितना कमा रहा है, उसका बिजनेस क्या है। हम बस ऐसे और ऐसे ही देखते हैं, और इस सब के चक्कर में ना, दूसरों को देखने के चक्कर में खुद को देखना, खुद की कैपेबिलिटीज़ को देखना हम भूल जाते हैं। अब मेंटल हेल्थ बेचारी क्या करे? बाय कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट अदर्स फीलिंग पता है क्या आती है? इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेट, इट गिव्स फीलिंग दैट आई एम नॉट इनफ। क्या करेंगे, मैं तो कुछ करता ही नहीं, दूसरा तो नोट छाप रहा है, नोट छापने की मशीन है। वॉट आई एम डूइंग, इफ आई वॉज अ लिटिल बिट टॉलर, इफ आई वॉज लिटिल बिट शॉर्टर, इफ आई वॉज लिटिल बिट स्पिरिचुअल, इफ आई वॉज अ लिटिल बिट स्मार्टर, बस तो अच्छा होता। लाइफ में बस इतना ही चाहिए होता है। आप जानते हैं एक चीज़, सारी चीज़ें वो करने की कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, योग्यताएँ, क्षमताएँ सब आप में हैं, कि जहाँ आप खड़े हैं वहीं से आप आगे बढ़े। स्टॉप लुकिंग एट अदर्स, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कंपैरिजन एंड कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट अदर्स। हमारी मेंटल हेल्थ भला कैसे जगह पे रहेगी? एज अ स्टूडेंट हम सब ने कहीं ना कहीं एग्जाम्स दिए हैं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग कॉपी भी हम सब ने कहीं ना कहीं किया ही है पास होने के लिए, राइट? दोस्तों स्कूल में एग्ज़ाम्स देकर, एग्ज़ाम्स चीट कर हम पास हो जाते हैं, पर ये ज़िंदगी ना क्वेश्चन पेपर सेम नहीं देती यारो। हर किसी की अपॉर्चुनिटीज़ अलग दूसरे से, हर किसी का स्ट्रगल अलग, हर किसी की सिचुएशंस अलग, हर किसी के रिसोर्सेज अलग, और हम क्या कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं। तो जब लाइफ ने क्वेश्चन पेपर्स ही अलग दिए हैं तो आप किसी की तरफ देखोगे तो क्या आप पास हो पाओगे लाइफ में? दोस्तों फेल ही होगे, डेफिनेट। सिंटेक्स का टैंक आता है, 100 लीटर में भी आता है, 500 लीटर में भी आता है, 1000 लीटर में भी आता है, 5000 लीटर में भी आता है। अब 100 लीटर का टैंक अगर 5000 लीटर के टैंक की तरफ देखे और वो ये सोचे भरता हूँ अभी और भरता हूँ, क्यों दूसरों को देखकर खुद को पंप ज़्यादा करते हो? इम्पॉर्टेंट पता है क्या है? जो अपनी कैपेसिटी है, यानी कि जो वो 100 लीटर का टैंक है वो पूरा फुल भरा हो। पता लगा रियलिटी में 100 लीटर का टैंक कभी आधा खाली है और देख रहा है 5000 की तरफ, तो कैसे भरेगा? तो फोकस अपनी कैपेबिलिटीज पे करो। यू नो व्हाट, वी हैव इनफ टू बी हैप्पी फॉर, वी हैव इनफ टू बी ग्रेटफुल फॉर, वी हैव इनफ टू मेक प्रोग्रेस इन लाइफ। यस, it's just that we have to focus on what we have, we have to focus on our resources, we have to focus on our struggle, we have to focus on our capabilities and we can make progress. Hoga, dheere dheere aap aage jayenge, hole hole sab kuch hoga. Mushkilon ka kaam hai dil ke iradon par attack karna, मुश्किलों का काम है दिल के इरादों पर अटैक करना, सपनों का काम है नज़रों से खो जाना, सपनों का काम है नज़रों से खो जाना। ठोकरें तुम्हें बार बार लगती रहेंगी,
तुम्हें गिर के उठना है दोस्त, ठोकरे तुम्हें बार बार लगती रहेंगी, गिर के तुम्हें उठना है दोस्त, क्योंकि ये ठोकरे तुम्हें चलना सिखाएंगी, क्योंकि ये ठोकरे ही तुम्हें चलना सिखाएंगी। वी विल नेवर बी एबल टू वॉक अनटिल अनलेस वी फोकस ऑन आवर सेल्स, वी फोकस ऑन व्हाट वी हैव। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एक्चुअली वी आर ट्रबलिंग, वी आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट अदर्स, वी आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ कंपेरिजन। मेंटल हेल्थ इसमें क्या करें? हाउ मेनी ऑफ यू फ्लोन इन फ्लाइट? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। आई रियली लाइक द वे दे मेक अनाउंसमेंट। दे से इफ देर इज अ लैक ऑफ सप्लाई इन केबिन, ऑक्सीजन मास्क विल पुल डाउन from the panel above your head, right? So place the mask around your face and nose sharply and breathe normally and then help your children and infants. तो अगर वो mask ठीक से लगा होगा ही नहीं, वो ठीक से आपके face पे place नहीं होगा, how will you help your children and infants? अगर आपकी जिंदगी में खुशी होगी नहीं, आप दूसरों को क्या खुशियाँ देंगे? अगर आपकी लाइफ में होप होगी ही नहीं, दूसरों को क्या होप देंगे? Therefore, guys and girls, I want to request you all, please prioritize this principle in your life. Please take care of yourself. Please be the best version of yourself. Focus on your capabilities and start from where you are. What you want to achieve and the way you want to achieve, you will definitely achieve what you want in life. But sab dheere dheere aur hole hole hi hota hai, as simple as that. And please take good care of your mental health. ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय।